देखिए यहाँ पर नंबर्स गिवन है 1, 2, 3 टिल 100 और सब पे पावर क्या है, तीन तीन। तो आपसे पूछा है कि जब सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आखिरी में कितने जीरोज होंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई एक्सप्रेशन गिवन हो और मालूम करना हो कि आखिरी में कितने जीरोज आएंगे तो क्या कंसेप्ट यूज होता है, जीरो हमें कब मिलता है, जब हम टू और फाइव को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक जीरो मिल जाता है। सिमिलरली अगर दो पेयर हैं टू और फाइव के तो हमें मिल जाएगा 100, दैट मीन्स एंड में दो जीरोज मिल गए। सिमिलरली अगर तीन पेयर्स होंगे तो हमें मिल जाएगा 1000, दैट इज एंड में तीन जीरो मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर चार पेयर होंगे तो चार जीरोज मिल जाएंगे हमें एंड में, एंड सो ऑन। तो हमें सिंपली क्या देखना होता है कि जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें दो कितनी बार आ रहा है और पांच कितनी बार आ रहा है, ठीक है। अब एक और चीज है, मान लीजिए आपको ये गिवन है दो जो है वो तीन बार आ रहा है और पांच दो बार, तो ये हो जाएगा सिंपली 200, तो एंड में दो जीरोज आ गए। तो जो नंबर दो और पांच में से कम टाइम्स आएगा उतने ही जीरोज होंगे, मींस उतने ही पेयर्स बनेंगे और उतने ही जीरोज होंगे, राइट। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस एक्सप्रेशन में जो दो है वो तो बहुत बार आएगा, टू में, फोर में, सिक्स में, एट में, लेकिन पांच जो है वो कम टाइम्स आएगा। तो अगर हम पांच मालूम कर लें कि कितनी बार आ रहा है तो उतने ही पेयर्स बनेंगे और उतने ही जीरोज होंगे। तो पांच देखिए हम कैसे मालूम करेंगे, पांच आएगा फाइव में, पावर है थ्री, टेन में, फिफ्टीन में, टिल हंड्रेड, ठीक है। इन नंबर्स में जो है वो पांच आएगा, तो सिंपली फाइव का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, फाइव इंटू वन, राइट। सिमिलरली फाइव इंटू टू, तो आपने क्या देखा, इसमें पांच कितनी बार आ रहा है, पावर है तीन, तीन बार आ रहा है। सिमिलरली इसमें भी तीन बार आएगा, इसमें भी तीन बार आएगा, फाइव इंटू फोर, इसमें भी तीन बार, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, फाइव इंटू फाइव और पावर है तीन, तो ये हो जाएगा छह बार। सिमिलरली यहां पे फाइव इंटू सिक्स, तीन बार आएगा, तीन तीन तीन। अब यहाँ पर 5 हो जाएगा सिंपली 5 इंटू 2 और पावर है 3, तो यहाँ पे 5 आएगा 6 बार। सिमिलरली यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 3 बार, 3 बार, 3 बार, और यहाँ पे फिर से 6 बार आएगा, यहाँ पे 3, 3, 3, 3 और 100 में 6 बार। अब इन सारे 5 को आप ऐड कर लीजिए, ये कितने हो जाएंगे टोटल, 72 5, दैट मीन्स 72 पेयर्स बनेंगे और 72 जीरोज होंगे। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं, राइट। So the correct option is A and it's simple.